मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। जावेद हबीब सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं। देश भर के अलग अलग शहरों में जावेद हबीब के सैकड़ों हेयर स्टाइलिंग सैलून मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद हबीब की नेटवर्थ करीब 30 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 209 करोड़ रुपए है। दुनिया भर में हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर मशहूर जावेद हबीब अब राजनीति में अपना लक आजमाने जा रहे हैं। जावेद हबीब बीजेपी और पॉलिटिक्स में नए जरूर हैं, लेकिन उनकी जड़ें राजनीतिक हस्तियों के काफी करीब रही हैं। हबीब का पॉलिटिकल कनेक्शन नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। कम ही लोग जानते हैं कि जावेद हबीब के दादा नजीर अहमद अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के निजी यानी पर्सनल नाई थे। जावेद हबीब ने एक इंटरव्यू में बताया था, मेरे दादाजी नजीर अहमद राष्ट्रपति भवन में रहकर कई बड़े भारतीय और ब्रिटिश राजनेताओं के बाल काटा करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद हबीब का जन्म भी राष्ट्रपति भवन में ही हुआ था। जावेद हबीब का हेयर ड्रेसिंग और पॉलिटिक्स से ताल्लुक यहीं खत्म नहीं हुआ। जावेद हबीब के दादा के बीमार पड़ने पर उनकी जगह जावेद हबीब के पिता हबीब अहमद ने ली। हबीब ने अपनी बायोग्राफी में बताया, जब मैंने हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया उस समय हमारे काम की कोई इज्जत नहीं थी। हालांकि हमें सम्मान दिया जाता था क्योंकि हमारे क्लाइंट्स इंदिरा गांधी, उबराय और राजमाता गायत्री देवी जैसी बड़ी हस्तियां थी। जावेद हबीब ने अपने इंटरव्यू में कहा था, किसी को भी अपने बैकग्राउंड की वजह से शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को चाय वाला बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, तो मैं खुद को नाई कहने में शर्म महसूस क्यों करूं? अपनी जिंदगी के किस्से साझा करते हुए जावेद हबीब ने एक इंटरव्यू में बताया, उनके पिता उन्हें लंदन के मॉरिस स्कूल ऑफ हेयर डिजाइनिंग में जाने के लिए प्रेरित किया था। अपनी जिंदगी के किस्से साझा करते हुए जावेद हबीब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता उन्हें लंदन के मॉरिस स्कूल ऑफ हेयर डिजाइन में ले जाने के लिए प्रेरित किया था, जबकि वो खुद से कभी भी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं बनना चाहते थे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हेयर स्टाइलिंग की तरह राजनीति में जावेद हबीब को कितनी सफलता मिलती है।